दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर रोज बरोज बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें शायद ही पता होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही रोचक बातें और रोचक घटनाएं बताने वाला हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं वंश भगत आप सबका स्वागत करता हूँ फैक्टोरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जिसका टाइटल है 11 अननोन रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 11। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि टोमेटो केचप का यूज अब किस तरह करते हैं? आप कहेंगे कि भाई ये क्या सवाल है, टोमेटो केचप का यूज तो नाश्ते के साथ खाने के लिए होता है। लेकिन आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि सन 1830 में टोमेटो केचप का यूज एडम मेडिसिन किया जाता था। जी हाँ, 1830 में टोमेटो केचप को दवाइयों के रूप में यूज किया जाता था। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि जिराफ कैसा होता है? आप कहेंगे भाई आप अपने स्क्रीन पर जैसा दिखा रहे हो वैसा होता है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि तांजानिया में कुछ इस तरह के व्हाइट जिराफ भी पाए जाते हैं जो कि पूरी तरह से व्हाइट होते हैं। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बॉटल के ऊपर जो ये एक्सपायरी डेट होती है वो पानी के लिए होती है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं लेकिन पानी की बॉटल के लिए होती है। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वी जैसे दिखने वाले इस ग्रह का नाम HD 189733b है, और इसकी खास बात यह है कि इस प्लेनेट पर 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांच की बरसात होती है। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि MS धोनी की स्पीड एक चीते की स्पीड से भी ज्यादा है? क्योंकि MS धोनी जब भागना स्टार्ट करते हैं तो उनकी स्पीड होती है 2.7 सेकेंड, जबकि चीता जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड होती है 2.89 सेकेंड। अगर हम क्रिकेट पिच की बात करें तो इस तरह से MS धोनी एक चीते से भी तेज भागते हैं। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, MS धोनी की बात जब चल ही रही है तो उनके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। MS धोनी के इस शॉट के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिस शॉट को खेलकर MS धोनी ने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मैच के बाद इस बैट का क्या हुआ? MS धोनी ने इस बैट को 72 लाख रुपीस में बेच दिया, और इन पैसों को MS धोनी ने गरीब बच्चों की मदद के लिए डोनेट कर दिया था। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, मेरिन नाम का ये जीव समुद्र में रहता है, और इसकी खास बात यह है कि शार्क मछली से बचने के लिए ये अपना खुद का हार्ट, अपना खुद का दिल कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला एल्यूमिनियम सोडा कैन 1964 में मैन्युफैक्चर हुआ था? फैक्ट नंबर 3। सोलर पैनल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने वर्ल्ड का पहला ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल बनाया है जो कि पूरा शीशे की तरह दिखता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जब किसी भी बेबी का जन्म होता है तो उसकी कितनी आंखें होती है? आप कहेंगे कि भैया ये कैसे सवाल कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कुछ महीने पहले ये फोटो सामने आई थी। कहा जा रहा है कि ये फोटो रशिया की है। इस फोटो में 3 आंख वाला बच्चा देखा जा सकता है, और इस फोटो में कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है।
फैक्ट नंबर वन। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने 21st सेंचुरी में कभी डायनासोर देखा है? आप सबका जवाब होगा कि हमने क्या, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक जिंदा डायनासोर के बच्चे को देखा जा सकता है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस पिक्चर में ना ही कोई एडिटिंग की गई है, ना ही वीडियो फेक है, यानी कि ये 21st सेंचुरी का पहला डायनासोर है। ये वीडियो कहाँ का ही है ये मुझे पक्का पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कहाँ का है, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वर्ल्ड के कुछ रोचक फैक्ट्स। अगर आपको भी इसी तरह कोई रोचक फैक्ट्स पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में आपको कहा है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट में जो भी टॉपिक हमें देंगे, हम 100% उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे। अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है।